हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैनी। सबसे पहले छठ पूजा के आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये कद्दू का सब्जी बनाने जा रहे हैं, जैसे घिया भी बोलते हैं। ये नहाए खाए के दिन बनता है, तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने दो घिया लिया है। अब इसे छील के इसे अच्छे से छोटा छोटा पीस में इसे कट करेंगे हम। इसे छील लेंगे और इसे वॉश कर लेंगे। इसे मैंने धो लिया है, अब इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। चाहे तो आप इसे घिस भी सकते हैं, पर मैंने छोटे छोटे पीस में ही कट किया है इसे। अब जितना छोटा पीस करेंगे उतना जल्दी आपका ये सब्जी पक जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लें। इस तरह से इसे हम छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लेते हैं। अब हमारा ये सारा घिया कद्दू, आप जो भी बोलें, ये हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन कद्दू ही बनता है। अब हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसे घी में ही पकाते हैं। अब एक चम्मच मैंने घी डाला है, हमारा घी मेल्ट हो जाएगा और इसमें हम कद्दू को डाल देंगे। सारे कद्दू को हम इसमें डाल के इसे जब तक पकाना है, बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। जब ये हमारा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए हमारा कद्दू अब डल गया, इसे हम कवर कर देते हैं ढक के चला के। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये कद्दू नहीं लगे। हमने 100 ग्राम गुड़ यूज किया है। आप चाहे तो गीला या सूखा कोई सा भी गुड़ यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनता है। आप इसके साथ चाहे तो पराठा या पूरी कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल ही कम सामग्री में और ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए हमारा कद्दू अब पक जाएगा, कितना अच्छा से गल गया है। अब इसमें हम गुड़ को ऐड करेंगे। मैंने गुड़ को अच्छे से काट लिया है ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए अब हमने गुड़ को नाप से, हमने आधा कटोरी गुड़ यूज किया है, वजन से हमने इसे 100 ग्राम गुड़ लिया है। जब हमारा गुड़ अच्छे से गल जाएगा तो हमारा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। ये मेरी दादी की रेसिपी थी है और मैंने इसे बनाया है अपनी दादी के लिए। ये देखिए जब तक ये गुड़ पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारा ये सब्जी तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम पराठे की तैयारी करेंगे। इसे मिक्स करके इसे कवर कर देंगे। देखिए हमारा सब्जी तैयार हो गया, अब इसे हम कवर कर देते हैं। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। नॉर्मली आप जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ लेंगे। बस छठ पूजा में थोड़ा सा साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अच्छे से इसे बनाते हैं। हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया, अब इसमें हम आधा चम्मच घी को मिक्स कर देंगे। अगर पराठा या पूरी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसे आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे, फिर इसका हम पराठा बनाएंगे। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, इसे कवर करके मैंने आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम पराठा बना लेते हैं। पराठा भी हमें घी में ही बनाना होता है। अब इसे अच्छे से हम बेल के इसका फोल्ड करेंगे। इसमें घी लगा देने से इसका हर परत इसका दिखता भी है और ये बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनता है। इस तरह से फिर से हम कवर करेंगे, फिर इस पर ऊपर से घी लगा देंगे। अब इसे हम बेल लेते हैं। ये हमारा पराठा बनके तैयार है। अब इसे हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। और हम फिर पूरी भी चाहे तो आप पूरी भी बना सकते हैं, तो मैंने पूरी भी बनाया है। उतार छठी मैया
ये देखिए हम दोनों तरफ से अब घी डाल के से अच्छे से सेक लेंगे। पीछे से भी घी लगा के इसे अच्छे से आपको पराठा का लेयर दिख रहा होगा। ये देखिए हमारा पराठा तैयार है। मैंने पूरी बनाया है तो हमारे ये भोग तैयार है प्रसाद। ये नहाए खाए के दिन यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनके तैयार हो गया है। आप बनाइए आप बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए हमारा प्रसाद तैयार हो गया है। इसे बनाइए और खाइए। अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए।